वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ। और क्लास नाइन्थ के मैथ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास लिखा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको रेशनल नंबर का पता है। तो स्टूडेंट्स जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, और क्यू हमेशा जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि क्यू हमेशा वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो जीरो कभी नहीं होगा। अगर जीरो कभी होगा फिर वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो क्या लिखा उसने, इज जीरो है रेशनल नंबर, तो यस बोल सकते हैं रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो बाय वन लिखा जाता है और ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, और पी बाई क्यू फॉर्म में, और यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है इसलिए ये रेशनल नंबर है। कह रहा है कैन वी राइट इट इन, यस है ना, तो कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो यस ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आ जाओ इसके फर्स्ट पार्ट का, इज जीरो ए रेशनल नंबर, हम बोल सकते हैं इसका आंसर भी क्या है, यस, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट का आंसर भी यस है, रेशनल नंबर है, और दूसरी स्टेटमेंट का आंसर भी यस है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर वन का पता चल गया। आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोर्ड रखा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। उन्होंने कहा कि थ्री और फोर के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो वो कैसे ढूंढेंगे, कुछ नहीं करना। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना, अगर उन्होंने सिक्स बोला है ना तो हमने थ्री को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन बाय सेवन से, और फोर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन बाय सेवन से। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, थ्री सेवन जा 21/7, फोर सेवन जा 28/7। अब ध्यान से देखो 21/7 क्या है, थ्री ही तो है, और 28/7 फोर ही तो है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 21/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 एंड 28/7। अब देखो हमने लिखेंगे कैसे, इसको स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 3/7/7 एंड 4/7/7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/7 एंड 28/7। देन हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 21/7 इज लेस देन 22/7 इज लेस देन 23/7 इज लेस देन 24/7 लेस देन 25/7 लेस देन 26/7 लेस देन 27/7 लेस देन 28/7। अब हमारे पास कितने पूछे थे, सिक्स रेशनल नंबर, जहाँ लिखेंगे सिक्स रेशनल नंबर इन बिटवीन थ्री एंड फोर आर क्या थे, तो फिर 22/7 से 23/7 24/7 25/7 26/7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 27/7। स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर इसने 3 एंड 4 बोला था ना, कोई पूछे कि कितने इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, अब बोल सकते हैं इनफाइनाइट। तो उसे इनफाइनाइट में से हमने जस्ट
सिर्फ सिक्स लिखे हैं हमने, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपने निकाला है वो आपकी आप या आपका कोई दोस्त आंसर निकाले वो सेम हो। आपके आंसर ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपका तरीका सही होना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर टू समझ आ गया, और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे इस वीडियो को शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, वो भी सीखें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। उन्होंने पूछा कि ऐसे हमारे पास कोई नंबर है 3/5 और ये 4/5, इसके बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट है, बट हमें कितने पूछे उन्होंने? 5 पूछे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 6, तो 6/6। इसी तरह 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6, हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 18/30, 4 6 24/30। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर्स, ज़्यादा नंबर्स आने की संभावना बढ़ गई। अब हम लिख सकते हैं आंसर क्या, फाइव रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कैसे लिखेंगे? 18/30 इज लेस देन 19/30, लेस देन 20/30, लेस देन 21/30, लेस देन 22/30, लेस देन 23/30, लेस देन 24/30। तो ये हमारे 19 से लेकर 23 तक थे, 1 2 3 4 5, ये हमारे फाइव रेशनल नंबर थे इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आई होप सो कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। आइए चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा उन्होंने? ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स में उन्होंने पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? तो देखो, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से इनफाइनाइट। क्या 1 से इनफाइनाइट जहाँ होल नंबर्स में आ रहे हैं? तो आई थिंक आ रहे हैं। आ रहे हैं तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए? इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, जो इंटीजर होते हैं ना, ये नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक। तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं, तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट। कह रहे हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, 0 से इन्फिनिटी तक तो होल नंबर है। अब 0 से पीछे हमारे पास यहाँ फ्रैक्शंस में कोई नंबर होगा तो वो रेशनल नंबर हो सकता है PQ फॉर्म में। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे लेट इट बी 2/3 है, ये रेशनल हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट ए होल नंबर। तो हम कह सकते हैं एवरी रेशनल इज़ ए होल नंबर नहीं होगा। तो ये आंसर भी हमारा कैसा हो सकता है? फॉल्स हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो 4 क्वेश्चंस पढ़े एक्सरसाइज 1.1 से, वो आपको समझ आ गए हैं। आप इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों में बांटोगे ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।